ठीक हूँ ओके तो चलो वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट हिंदी और टॉपिक रुसे ऋषि रुसे ऋषि। इसके पहले आपने अ से अनार पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था? उसे ऊन के बाद क्या आता है? रुसे ऋषि। उसे ऊन के बाद रुसे ऋषि। तो सबसे पहले क्या पढ़ा था? असे अनार, असे अनार, अनार के बाद आसे आम, आसे आम, इसे इमली, इमली के बाद इसे इक, इसे इक के बाद उसे उल्लू, पता है आपको? उल्लू के बाद उसे उनके बाद क्या है? रुसे ऋषि है ना। तो आपको अभी रुसे ऋषि पढ़ना है, साथ में आपको लिखना है। हाँ, उसे उन तक लिखा है ना आपने, अभी तक आपने उसे उन तक लिखा है असे अनार से। हाँ, तो उसे उनके बाद रुसे ऋषि आपको आज लिखना है, साथ में पढ़ना है। ओके, लिखो, लिखेंगे आप? हाँ, हार्ड है। हाँ, क्या है? इजी नहीं है, ये हार्ड है, लेकिन निकालना तो है। मैं आपको इजी बताती हूँ। ओके, चलो चलो फिर हिंदी की बुक निकालो, पेंसिल निकालो और इरेजर निकालो। निकाला है? मैंने चॉक लिया है, आप पेंसिल लो। आपको समझ में आता है ना? हाँ, आप चॉक से लिखेंगे क्या? नहीं, किसे लिखेंगे? पेंसिल से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अभी मैं बताती हूँ। ओके, चलो फिर टू लाइन का हो गया आपका। हाँ, तो ऊपर ऐसे स्लीपिंग लाइन निकालो, निकालिए। उसके बाद स्टैंडिंग लाइन दो, ऐसे दिए। हाँ, उसके बाद स्टैंडिंग लाइन दिए, उसके बाद ऐसी एक लाइन दो और ऐसी एक लाइन दो। क्यों निकाल देना आप? लेकिन इधर नहीं निकालना है, इधर निकालना। ओके, उसके बाद ऐसे स्लीपिंग लाइन दो, छोटी देंगे ऐसे स्लीपिंग लाइन दो। उसके बाद स्लीपिंग लाइन देने के बाद बताओ, नहीं पता है, नहीं पढ़ा नहीं ना, इसीलिए तो इसको सर्कल करो। किया है? सर्कल किया है? हाँ, सर्कल करना तो आता है, इजी है। किया है? उसके बाद इसको ऐसे हाफ सर्कल निकालो, इसको हाफ सर्कल निकालो। आता है ना आपको निकालना? तो ये क्या हुआ? रुसे क्या ये? बताओ, रुसे ऋषि। देखो यहाँ पे लिखा है ना, देखो मैंने आपके लिए बना के भी लाया है। देखो रुसे ऋषि क्या ये? रुसे ऋषि। ओके, उसके बाद एक निकाला है आपने, उसके बाद और निकालो, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन निकालिए। हाँ, उसके बाद ऐसा करो। ओके, और स्लीपिंग लाइन दो, दिए। हाँ, जल्दी करो, नहीं होता है जल्दी। हाँ, इजी नहीं है ना, इसीलिए। हाँ, इजी होता तो जल्दी हो जाता है ना। 1 2 ए फॉर एप्पल, ऐसे ना जल्दी आ जाता है आपको। ये आता है क्या? नहीं, क्योंकि ये आपने निकाला नहीं ना नर्सरी में, अभी के जीवन में वो तो लिखना तो है। चलो फिर उसके बाद स्लीपिंग लाइन, उसके बाद इसको ऐसे गोल करो। किया है? उसके बाद
आपका ऋषि का रूप। ओके चलो उसके बाद एक और निकालेंगे। ओके ऐसा उसको ऐसे सर्कल करना और ऐसे निकालना, ये वो आपका ऋषि रूप। ओके ऋषि रूप वाली ऐसे आपको हिंदी के बुक में राइट करना है और उसको डाउन 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 वन पेज करना है। डाउन डाउन करेंगे आप? हाँ वन पेज करेंगे तभी आपको उल्टा निकालेंगे सीधा निकालेंगे, लेकिन निकालने के बाद आपको ऋषि रूप आने वाला ही है। हाँ ओके ऋषि रूप हुआ है। चलो फिर और एक निकालेंगे ऐसे ऐसे उसको ऐसे और ऐसे हुआ है आपका ऋषि रूह हुआ ना। हाँ ऋषि क्या करते हैं बताओ? जंगल में ज्ञान करते हैं। क्या करते हैं? जंगल में ज्ञान करते हैं। कहीं पे करते हैं क्या? नहीं, जहाँ पे शोर नहीं है एकाग्रता है वहां पे वो ध्यान करते हैं। ओके तो आपको समझ में आ गया? अभी आया है ना? हाँ होशियार बच्चों स्मार्ट बच्चों मेरे वाले, इसीलिए आपको ये तो समझ में आ गया होगा। ओके उसके बाद मैंने आज क्या ये जोड़िया लगाओ मैंने क्या बताया? क्या होता है बताओ बताओ? नहीं पता है? मैच करना। जुड़िया लगाओ यानी मैच करना। ओके तो ये क्या है? असे अनार मैंने पढ़ाया आपको, अभी आपको पछलना आना चाहिए। तो क्या ये असे अनार? अनार कौन से कलर का होता है? रेड कलर का होता है ना, बताया था मैंने। असे अनार देखो है ना, ये असे अनार। तो ऐसे अनार अभी कहाँ पे है तो देखना है। यहाँ पे मैंने पिक्चर निकाले और यहाँ पे नाम लिखे, तो आपको ऐसे अनार यहाँ से ढूंढना है। ओके पहचानना है आपको ये क्या, ये क्या नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो फिर कौन सा है? ये है। हाँ आपको तो खाते हो ना, आपको पता ही है। तो क्या कहेंगे? ऐसे अनार की जोड़ी अनार को लगाएंगे। ओके तो चलो चलो अच्छे से देखो, समझ में आना चाहिए आपको। ओके आपको ये लिखना है क्या? नहीं लिखना है, लिखना नहीं है, समझा के दे रही हूँ मैं आपको। ओके उसके बाद ऐसे ऐसे अनार के बाद ऐसे आम होता है ना। हाँ देखा दिखाती हूँ मैं अभी आपको ऐसे आम, देखो ऐसे है ना ऐसे आम। तो आम कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है ना, खाते हो आप? हाँ तो चलो यहाँ पे पहचानो कौन सा है। तो ये है नहीं, ये है नहीं, ये तो अनार हो गया। हाँ तो ये है ये देखो है क्या? हाँ पता है आपको। तो क्या करेंगे? ऐसे आम की जोड़ी आम को लगाएंगे। ओके तो चलो देखो फिर लगाई मैंने। हाँ इजी है ना? हाँ आपको तो मजा आ रही होगी। हाँ चलो उसके बाद इसे ईक, उसके बाद क्या है इसे इमली। इमली कैसे होती है? खट्टी होती है। कहाँ पे? ये तो आम है, ये अनार है, ये क्या है? क्या है? ईक। और ये क्या है? ये लास्ट वाली क्या है? इमली। कैसे होती है? खट्टी होती है। तो इसे इमली की जोड़ी
इसे इफ में लगाएंगे, हाँ ना? इकी जोड़ी तो इसे इंग्लिश के लगेगी ना, पता है आपको? चलो फिर देखो फिर, ओके? इसे इंग्लिश लगाई है मैंने, क्लैप करो, करो जोर से क्लैप, हाँ। उसके बाद इसे लिखने के बाद क्या है? इसे इक, देखो इसे इक है ना, देखो अच्छे से, क्या भी निकाला मैंने? हाँ, इसे इक, इसे इक के बाद, इसे इक के बाद क्या आता है बाद में बताऊंगी, ओके? तो देखो, ये तो आ से आन हुआ, ये क्या हुआ? असे अनार हुआ, और ये इसे इमली हुई, तो ये क्या है? ये क्या है? इसे इक, इजी है ना? हाँ, तो लगाओ फिर, इसे इक, पता है आपको? हाँ, इसे इक, इक खाते हो? इक को क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? बताओ बताओ, गन्ना, गन्ना खाते हो ना? हाँ, अच्छा लगता है ना? हाँ, लेकिन बहुत हार्ड होता है, हाँ, तो ये क्या हुआ? आपको समझ में आई है? ये क्या हुई? जोड़िया लगा, मैच करना, जोड़िया लगा यानी मैच करना, तो आज आपने क्या पढ़ा है? रुसे ऋषि और जोड़िया लगा, ये लिखना नहीं है आपको, मैंने आपको समझा के दी है, लिखना नहीं है आपको, लिखना रुसे ऋषि है, ओके? समझ में आ गया है? ओके?